गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज हम क्लास नाइन्थ के पोएट्री के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी पर्वत और गिलहरी। इस पोएट्री के जो रचयिता हैं रलाफ उडो इमर्सन हैं। इनका जो लाइफ स्पेन है 1803 से लेकर के 1882 तक है। चलिए आइए इनके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन माने होता है पर्वत, स्क्वायरल माने होता है गिलहरी, क्वारल माने होता है झगड़ा करना। एक बार पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग। पहले वाले ने दूसरे वाले को, फार्मर माने पहले वाला और लेटर माने बाद वाला, यानी पहले वाले ने दूसरे वाले को तुच्छ प्राणी कहा। लिटिल पिग माने होता है तुच्छ प्राणी। पहले वाला मतलब कि पर्वत और लेटर यानी बाद वाला यानी गिलहरी, यानी पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। वन रिप्लाइड, वन माने भी होता है गिलहरी। गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस माने होता है निसंदेह, यानी तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। हम इसका हिंदी यहाँ से निकालेंगे। स्पेयर माने होता है ब्रह्मांड, ईयर माने होता है वर्ष, टू मेक अप माने होता है पूरा करना, टूगेदर माने एकत्रित होना, और टेक माने होता है लेना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं। एक ब्रह्मांड और एक वर्ष को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के वस्तुओं और मौसमों को एकत्रित होना चाहिए। इसका हिंदी निकलेगा कि एक ब्रह्मांड और एक वर्ष को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के वस्तुओं और मौसमों को इकट्ठा होना चाहिए, मतलब कि एकत्रित होना चाहिए। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस। अब यहाँ पर जो है गिलहरी कहती है एंड माने और, आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं कोई अपमान महसूस नहीं करती हूँ, मतलब कि मैं कोई अपमान नहीं सोचती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑक्यूपाई माने होता है स्थान घेरना, यानी मैं अपना स्थान पा करके डिसग्रेस माने होता है अपमान सहना, यानी मैं जो है मतलब कि शर्मिंदा होना, या मतलब ठीक है। तो इसका फिर देखते हैं, यानी एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी मैं अपना स्थान पा करके अपमान महसूस नहीं करती हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यानी अगर मैं तुम्हारे जितना लंबा नहीं हूँ, यहाँ पे गिलहरी कह रही है कि अगर मैं तुम्हारे जितना लंबा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम उतने छोटे भी नहीं हो जितना कि मैं, समझे। मतलब कि यहाँ पर गिलहरी कह रही है कि मैं अपना स्थान पा करके अपमान महसूस नहीं करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे जितना लंबा नहीं हूँ तो तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो। एंड नाट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई माने होता है फुर्त और हाफ माने आधा, और तुम मेरे आधे के फुर्त भी नहीं हो। आई विल नाट डीने यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, सॉरी यहाँ पे सेल रहेगा, आई सेल नाट डीने यू, यानी मैं इनकार नहीं करती हूँ। यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक कि तुम एक गिलहरी का सुंदर रास्ता बनाते हो, यानी मैं इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरी का एक सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफरेंट, योग्यताएँ भिन्न भिन्न, यहाँ पे कह रहा है कि टैलेंट डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, यानी योग्यताएँ भिन्न भिन्न हैं, सभी वस्तुओं को अच्छी और बुद्धिमानी तरह से रखा गया है। टैलेंट आर डिफरेंट, यानी योग्यताएँ भिन्न भिन्न हैं, सभी वस्तुओं को अच्छी और बुद्धिमानी तरीके से रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कैरी माने होता है ले जाना, फॉरेस्ट माने जंगल, बैक माने पीठ, यानी अगर मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते, तो तुम एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते। ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।